खबर जनपद श्रावस्ती से, जहां पर पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। आपको बता दें कि विधानसभा मतदान के बाद ईवीएम मशीनों व वीवीपैट को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखवाया गया है। मशीनों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की पहरेदारी लगाकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा का हाल जानने के लिए शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्थापित किए गए स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी सुरक्षा पॉइंटों को चेक किया और सुरक्षा की सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को देखा और तैनात कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतगणना तक सभी ईवीएम को सुरक्षित रखा गया है, जिसकी सुरक्षा पूरी सतर्कता से की जाए। आसपास किसी भी प्रकार की गतिविधि हो तो उसे परखा जाए। उन्होंने कहा कि ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी कड़ी निगरानी करते रहे, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। स्ट्रांग रूमों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा बलों के साथ स्थानीय पुलिस को तैनात किया गया है। सुरक्षा बल जहां स्ट्रांग रूम की के इर्द गिर्द सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर बनाए गए सभी बैरियरों में पुलिस बल तैनात करके सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। इस दौरान PREO पुलिस अधीक्षक JP सिंह, आउटर कार्डन प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह आदि लोग मौजूद रहे।